This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। जज एजेंसी ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को समन भेजा है। ईडी ने ठग सुरेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन से पूछताछ करी है। हाथरस हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में आज भूकंप के झटके लगे हैं। यह भूकंप आज सुबह 7:15 बजे आया। भूकंप की तीव्रता 4 से 4.5 रिक्टर स्केल पर रही। राज्य में भूकंप जालना, नांदेड़, परभनी, हिंगोली और वाशिम में झटके लगे हैं। नाटो के शिखर सम्मेलन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि नाटो सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है और यह सब संयोग से नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहाँ एक डबल डेकर बस दूध कंटेनर के पीछे से घुस गई, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई। उन्नाव हादसे पर पीएम मोदी ने शोक जताते हुए कहा कि उन्नाव में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। उत्तराखंड के केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। उन्होंने इलाज के दौरान देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। वो नीतीश कुमार के करीबी बताए जा रहे हैं। मुंबई के हिट एंड रन केस में एकनाथ गुट के शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा आरोपी मेहर शाह को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति चांसलर कार्ल नेहमन ने पीएम मोदी के लिए डिनर आयोजित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भारतीय प्रवासियों से बातचीत भी की। पुणे में ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर अपनी मांगों को लेकर सुर्खियों में है। उन्हें महाराष्ट्र के वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 50,000 युवाओं की भर्ती करने का फैसला किया है। मनोज जरांकी ने कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल पर जातिवाद का आरोप लगाया है। इससे पहले वे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी जातिवाद का आरोप लगा चुके हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद ने 7 लोकल ट्रेन स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। शिंदे सरकार अब केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए नए नामों को उसके पास भेजेगी। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां काफी तेज हो गई है। राज्य में विधान परिषद चुनाव 12 जुलाई को होने जा रहे हैं। भारत का शेयर बाजार लगातार कुलाचे भर रहा है और स्टॉक मार्केट की इस शानदार उड़ान में निवेशकों को रोमांच के साथ साथ कमाई के मौके मिल रहे हैं। टीम इंडिया को नया हेड कोच मिल गया है और तमाम अटकलों को सही साबित करते हुए बीसीसीआई ने पूर्व स्टार ओपनर गौतम गंभीर को टीम इंडिया की जिम्मेदारी दी है। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT2 विनर सिद्धार्थ यादव और एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपनी पार्टी में प्रतिबंधित सांपों के जहर का इस्तेमाल करने वाले केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एल्विश को समन जारी किया है। कमल हसन की अपकमिंग फिल्म इंडियन 2 के रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इन सब के बीच फिल्म के डे 1 के लिए खूब एडवांस बुकिंग हो रही है। आज के टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।